एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में, जहां आपके लिए हम हमेशा ऐसे विषय को चुनकर लाते हैं जिससे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ता रहे। साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपको चीजें बहुत ही सरल तरीके से बता सके, ताकि आपको वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा और आजकल तो हम सभी स्मार्टफोन्स में गूगल मैप और गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की कुशलता भी प्रदान की है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से आज कहां से कहां पहुंच गया है। अपने इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स जैसे और भी कई सारे आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खास जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें आपको AI क्या है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, यहाँ कृत्रिम का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीन्स को विकसित कर रही हैं जो इंसान की तरह सोच सके और कार्य कर सके। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की अक्ल मंदी की तरह कार्य कर सके, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये जो इंटेलिजेंस की ताकत होती है, ये हम मनुष्य के अंदर अपने आप ही बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ छूकर कि हम ये सोच सकते हैं कि उस चीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर यंत्र के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ वैज्ञानिकों ने AI की परिकल्पना दुनिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि AI कॉन्सेप्ट के द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई जा रही है जो वैसा ही सोच सके जैसे इंसान का दिमाग सोचता है। मानव सोचने, एनालाइज करने और याद रखने का काम भी अपने दिमाग की जगह पर यंत्र कंप्यूटर से कराना चाहता है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में AI को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग AI का एक हिस्सा है। यह सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता देता है, और इसमें प्राथमिक महत्व कंप्यूटर्स को खुद से इंसान के बिना ही सीखने के लिए अनुमति देना होता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट पर फोकस करता है जो डेटा को एक्सेस कर सके और उसमें अपने आप सीख सके। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह AI के प्रोग्राम्स भी हैं जिसके जरिए मशीन्स भी सीखने का काम कर सकती है। आज के समय में AI और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। चलिए अब हम जानेंगे कि AI की शुरुआत किसने की। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य के दिमाग में उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई, जिसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसा बुद्धिमान मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और उनके तरह ही सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रखता हो। 1995 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया विषय नहीं है, दशकों से दुनिया भर में इस पर चर्चा होती रही है। मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, जहां रोबोट का स्वरूप दिखाया गया कि कैसे वो इंसानों की तरह सोचता है और कार्य करता है। और अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहां किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता बड़े ही जोरों शोरों से बढ़ती चली जा रही है।
और आज ये एक ऐसा विषय बन गया है जिसके टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्रों में काफी चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञों और इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि AI या मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाएंगे कि ये हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी ना किसी तरीके से AI से जुड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफी निवेश किया है, जिसके कारण कई AI प्रोडक्ट्स और एप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको अभी के समय में उपलब्ध होने वाले कुछ AI के उदाहरण देते हैं। नंबर एक, आपने एप्पल फोन तो देखा ही होगा, इसकी सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट सीरी के बारे में भी जरूर सुना होगा। सीरी AI का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे आप वो सारी चीजें करवा सकते हैं जो आप पहले इंटरनेट में टाइप करके किया करते थे, जैसे मैसेज सेंड करना, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ढूंढना, कोई एप्लीकेशन ओपन करना, टाइमर सेट करना, अलार्म लगाना इत्यादि। जैसे सभी काम आप मोबाइल को बिना हाथ लगाए सीरी से हे सीरी कहकर करवा सकते हैं। सीरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। हालांकि ये सिर्फ आईफोन और आईपैड में ही उपलब्ध है। इसी तरह एलेक्सा डिवाइस विंडोज का, कोर्टाना और एंड्रॉइड फोन की पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट है, जो कि सीरी की तरह काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नंबर दो, गूगल अपने कई क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में AI टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। गूगल मैप हमारी लोकेशन को ट्रैक करती है और हमें सही रास्ता बताने के लिए AI एनेबल्ड मैपिंग का भी इस्तेमाल करती है और हमें सही रूट बताने में मदद करती है। नंबर तीन, लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न ने भी एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इको। ये आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपका ट्रैफिक का हाल और वेदर रिपोर्ट बता सकता है, किसी भी स्पोर्ट का स्कोर और शेड्यूल भी बता सकता है। नंबर चार, AI का इस्तेमाल सिर्फ स्मार्टफोन में नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। अगर आप कार पसंद करते हैं तो आपको टेस्ला कार की जानकारी जरूर होगी। ये कार अब तक उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से एक है। टेस्ला कार से जुड़ने के बाद इसमें सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स उपलब्ध है। ऐसे ही ना जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार और बन रही हैं, जो आने वाले वक्त में भी और स्मार्ट हो जाएंगी। नंबर पाँच, AI का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब जोरों से हो रहा है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वहीं आज मशीन की मदद से वही काम बहुत जल्दी और बेहतर किया जा रहा है। नंबर छह, हमें वीडियो गेम्स में भी AI की झलक मिलती है। जैसे कई सारी गेम्स में आपको कंप्यूटर से खेलना होता है, जैसे चेस और लूडो। इन सब के अलावा AI का इस्तेमाल स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग, हेल्थ इंडस्ट्री और एविएशन में भी होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं। नंबर एक, AI एरर को कम करने में हमारी मदद करता है और अधिक एक्यूरेसी के साथ सटीकता हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर दो, AI का उपयोग करने से तेजी से निर्णय लेने और जल्दी से कार्य करने में सहायता मिलती है। नंबर तीन, मनुष्यों के विपरीत मशीन्स को लगातार आराम और रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती। वो लंबे समय तक काम करने के काबिल होते हैं और ना तो ऊबते हैं, ना विचलित होते हैं और ना ही थकते हैं। नंबर चार, AI की मदद से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसान है। नंबर एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि AI के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य का ही होगा। नंबर दो, AI मनुष्यों के स्थान पर काम करेंगी और मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी, और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। नंबर तीन, विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। नंबर चार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए भारी लागत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए भारी लागत की आवश्यकता होती है। नंबर पाँच, इसमें कोई शक नहीं है कि AI कई सारी नौकरियों को मनुष्यों से छीन रही है, जिसमें भविष्य में बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ने वाली है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि मानवता के फायदे के लिए हमने आग और बिजली का इस्तेमाल तो करना सीख लिया है, पर इसके बुरे पहलुओं से उभरना जरूरी है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी तकनीक है और इसका इस्तेमाल भी हम बहुत से क्षेत्रों में अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि अगर इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूंढा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लाभों के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने खतरे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, या आने वाले समय में इसका मनुष्य पर कैसा असर होने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा है कि आपको इस वीडियो से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका उपयोग कहां हो रहा है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद।